Assalamualaikum viewers, you are watching Glam Girls with Aman. आज मैं आपके साथ एक दूसरी ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आजमूदा भी है और इफ़ेक्टिव भी है। लेकिन ये आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि किस चीज़ के रिलेटेड है आज की रेमेडी। चलिए थोड़ा आप भी गेस लगा लें कि किस टॉपिक के रिलेटेड है। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो गेस लगा लें कि किस चीज़ के रिलेटेड है आज की ये रेमेडी। चलिए बता ही देती हूँ, आप लोग क्या आप सोचेंगे कि पता नहीं कौन सी रेमेडी शेयर करने जा रही है। आज की रेमेडी में हम एक क्रीम बनाएंगे जो कि है वाइटनिंग क्रीम, और होममेड वाइटनिंग क्रीम है जो कि हम रात को यूज़ करेंगे। और आपको इसके फर्स्ट यूज़ से पता चल जाएगा कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है, लेकिन आपको ये रेगुलर यूज़ करना है और आपने इसका मज़ा लेना है। चले चलते हैं अपने रेमेडी की तरफ। अच्छा तो व्यूअर्स, अब आते हैं अपने इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। हमें चाहिए 2 टेबल स्पून मिल्क जो कि मैंने यहाँ पर पहले से ले लिया हुआ है। हमें चाहिए लेमन, अगर आपके पास नॉर्मल लेमन हो तो एक ले लें, मेरे पास ये छोटे साइज़ के हैं तो मैंने 2 ले लिए। ये देखिए इसका कलर बड़ा मज़े का है, ये देखिए बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के। अच्छा, और इस लेमन के साथ आपने ये करना है कि इसको काट लेना है स्मॉल स्मॉल पीसेस में और उसका पेस्ट बना लेना है इस तरह। मैंने पहले से कर दिया हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। और ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनता, ये मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा, ये देखें बस इस तरह से कर देना है। इसको आपने जिस्ट के साथ ही रहना है, मतलब जिस्ट का मतलब इसको आपने छिलके के साथ ही रह लेना है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया हमारा। हमें दूसरे चाहिए 5 एलमंड जिसको हम बादाम भी कहते हैं। हमें चाहिए रोज़ वाटर, हमें चाहिए ग्लिसरीन, हमें चाहिए एलोवेरा। चलिए अब चलते हैं इसके बनाने की तरफ। अच्छा तो व्यूअर्स, अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो एलमंड मैंने लिए थे ना, इसको मैंने रोज़ वाटर में 3 आवर्स के लिए सोक कर दिया था, और इसलिए ताकि हम इसका छिलका उतार दें फिर और उसका पेस्ट बना लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका छिलका उतार दिया हुआ है पहले से, ठीक है। आप लोगों को पता है आप लोगों का टाइम हम लोग नहीं ज़ाया करते, तो इसलिए मैंने पहले से इसका छिलका उतार दिया है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर मैंने पीस लिया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको हम लेते हैं, इस पेस्ट को, हमारे बादाम के पेस्ट को, ठीक है। ये देखिए इस तरह का कुछ है। और जो मैंने आपको बताया था कि 2 टेबलस्पून हमने मिल्क लेना है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। फर्स्ट हम इसको मिक्स करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके मिक्स करने की आवाज़ का आप लोग थोड़ा मज़ा ले लें, बैकग्राउंड म्यूजिक तो लगा नहीं है, तो इसकी आवाज़ का आप लोग मज़ा ले लें। एक बात और बताती चलूँ, ये अपने एंड में अप्लाई करना है अपने सिस्टर के हैंड पे, तो यहाँ पर बेटी है मुझे तंग कर रही है, ठीक है। उसको मैं आपको आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँगी लास्ट में, आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये वो लेमन का जो पेस्ट है इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। ये मिक्स हो गया है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर ये ग्लिसरीन लिए, आप कोई सा भी ले लें, ये नहीं है कि मैंने ये वाला लिए तो आप लोगों ने भी ये वाला लेना है, आपके साथ जो भी है वही वाला ले लें, 1 टेबल स्पून, ठीक है। इसको मैंने इस कंटेनर में सेव कर लिया है, इसको आप 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपने इसको फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना वरना ख़राब हो जाएगा। और इसको रात को लगाना है, रेगुलर लगाना है, और सारी रात छोड़ देना है, ठीक है। और फिर इसको सुबह सादा पानी से धो देना है। अभी मैं आपको अपनी सिस्टर के हाथ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप लोग इसको हाथ पे भी यूज़ कर सकते हैं, पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं, और फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको सिस्टर के हाथ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। आपने इसको इस तरह मसाज भी कर लेना है अच्छे से।
हल्के हाथों से, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट, आराम आराम से, बहुत रगड़ना नहीं है, झगड़े नहीं करने अपने हाथ के साथ और अपने फेस के साथ और अपने पाँव के साथ। आराम से अच्छे तरीके से इसका मसाज कर देना है। एक तो ये वाइट भी होंगे और दूसरे इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी होगी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। आप शाइन देख सकते हैं अभी भी, ठीक है, ये देखें। अच्छा तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये रेमेडी यूज़फुल और इफ़ेक्टिव लगे तो इसको मस्ट ट्राई करें और अपना रिज़ल्ट मेरे साथ भी शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को इसका कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ एक दूसरी इफ़ेक्टिव और यूज़फुल रेमेडी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।